तो मैं बोल रहा हूँ मेरे को रहना ही नहीं मेरे है हो। किसने कहा है? मैं बोल रही हूँ बस, तुम बात खत्म, बस प्लीज बात खत्म। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, कैसे हो सभी? आई नो अबाउट दैट वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आ चुकी है यार। कुछ बहुत सी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने पिछले एक साल में फेस की है। आपको जैसे लोगों को पता है कि यार मेरा ब्रेकअप हो चुका था, और मतलब उसके वाली वीडियोस मैं डिलीट कर दूंगा। और अभी जो है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर प्रैंक करने वाला हूँ। हाँ, मेरी अभी जस्ट रिसेंटली गर्लफ्रेंड बनी है, अभी 2-3 महीने हुए हैं। तो आज उसके ऊपर मैं 2-3 महीने बाद एक प्रैंक करने वाला हूँ। और हाँ, अब मेरी वीडियोज़ रेगुलर आएंगी, इस चीज़ की टेंशन मत लेना आप लोग। आज मैं प्रैंक करने वाला हूँ मेरे दोस्त ललित के साथ मिलके मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर। वीडियो को एंड तक देखना, अभी मैं उसको कॉल करने वाला हूँ, उसको यहाँ पे बुलाऊंगा, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। हेलो हेलो प्रिया। हाँ जी यार, एक ना बहुत ज़रूरी बात करनी है और मुझे मतलब मिलना है आपसे। आप कितनी देर में आ सकते हो? वैसे रखबाग में हूँ मैं। मैं 5 मिनट में आ जाऊंगी आपके पास। बताओ क्या जरूरी बात करनी है? बहुत जरूरी बात करनी है, बस मैं ऐसे फोन पे नहीं कर सकता। फोन पे बात नहीं कर सकता यार। प्लीज यार आओ, मेरे को बात करनी है यार, जो भी है क्लियर करना है। तो गाइज अभी वो आने वाली है, उसके साथ कैसे क्या प्रैंक होगा वीडियो को एंड तक देखना। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के एंड में। हाय हाय, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, अच्छा हूँ। बैठो, कुछ खाओगे? नहीं, क्या बात है इतनी जल्दी तुमने मुझे बुलाया? कुछ खाओगे पहले ये बताओ। पहले ये बताओ तुमने बुलाया क्यों मुझे? यार कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, पर एक बताओ तो बहुत ज़रूरी बात करनी है यार मुझे। क्या ज़रूरी बात करनी है बोलो यार। एक तो मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी मतलब मेरे पीछे लगी हुई है बहुत टाइम से। तुम सारी जगह से ब्लॉक कर दो। कर दिया है, अलग अलग आईडी से मैसेज करती है, कॉल करती है अलग अलग नंबरों से डेली। मेरी मम्मी तक को कॉल कर दिया उसने। मम्मी को कॉल करके बोली कि मतलब आपका नहीं, अब तुम बात नहीं करोगे उससे, छोड़ो, वो ऐसी ही है, वो इस चीज़ के लायक ही है। अब बताओ फ्यूचर में तुमने क्या करना है? फ्यूचर में क्या करना है? अभी मैं बात कर तो रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, कुछ खाओगे? मेरी बात सुनो, मेरे से 3 प्रॉमिस करो पहले। ओके। रोना नहीं है, सैड नहीं होना, और गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं होना। ऐसा तुम करने क्या वाले हो मुझे मेरी भी तो बात पता तो सुनो। ओके, पहले कंप्लीट आप कर लो, बीच में मत टोकना, ठीक है? प्रॉमिस। अभी देखो यार, तुम और मैं कितने टाइम से रिलेशन में? 2 या 3 मंथ से। हाँ, मैक्सिमम 3 मंथ हो चुके होंगे। लोहड़ी को 3 मंथ हो चुके हैं हमें, ठीक है? अभी यार देख लो कितना टाइम हुआ है, 3 महीने ही है यार, सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मेरे जो डैड है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हें पता ही है। और मैं कहता हूँ मम्मी मेरी मान भी जाएगी ना अगर हम दोनों की मैरिज के लिए, पर डैड नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनको अपने फ्रेंड से मतलब है, उनको फैमिली से मतलब है, उनको रिलेटिव से, मेन रिलेटिव्स की बातों से मतलब है। रिलेटिव्स ने अगर बोला है कि हमारी, क्योंकि हमारे मेन फैमिली में लव मैरिज अलाउ है ही नहीं, ठीक है, अरेंज मैरिज अलाउ है। तो मैंने पापा से बात करके देखी थी, तो कितने दिन से उनकी और मेरी लड़ाई चल रही है, इसे मैं तुम्हें कितने दिन से बुला नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? तो अभी दिक्कत ये हो रही है कि पापा मेरी ना कहीं और मैरिज करने वाले हैं, और उन्होंने 3 दिन बाद मेरी मैरिज फिक्स भी कर दिया। मतलब ये कि रिंग सेरेमनी हो जाएगी। कोई मजाक लगा हुआ है? कैमरा दिख रहा है कहीं आसपास? कैमरा देख लो, अगर कैमरा दिख गया तो तुम्हारी की बात छोड़ो। तुम सीरियसली तुम शादी करने वाले हो? बट मैं तुम्हारे बिना मतलब नहीं रह सकती। मेरी बात सुनो, शादी नहीं अभी होगी, 3 या 4 दिन बाद या मैक्सिमम 1 हफ्ते बाद। नहीं, मेरी बात सुनो, बीच में टोक रहे हो ना, मैं कह रहा हूं टोकने की बात नहीं है, नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकती। ये कौन सी बात थी? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना यार। 1 हफ्ते बाद रिंग सेरेमनी है, जो भी है वो मेरे साथ ही होगी, अदरवाइज किसी के साथ नहीं। मैं ऐसे कैसे किसी के साथ नहीं होगी? मतलब ये जबरदस्ती है, धक्का है यार कोई? मैं बोल रहा हूँ मेरे को रहना ही नहीं है। मेरे हो, किसने कहा है? मैं बोल रही हूँ बस, तुम मेरे हो। कहने से क्या होता है यार, हमारा रिलेशन है। कितना टाइम हुआ है? मेरे 2-2 साल के रिलेशन टूट गए, मैं तब नहीं रोया, तुम 3 महीने के रिलेशन को लेके बैठी रहो। लाइफ टाइम 3 मंथ से भी हम आगे जा सकते हैं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। नहीं यार, आई एम सॉरी प्रिया, देखो मेरी बात सुनो। हाँ अभी कुछ नहीं बिगड़ा है दोनों में, दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी बिगड़ जाएगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई एम सॉरी यार। नहीं यार, तुम फैमिली से प्लीज 1 टाइम बात करो। मैं अभी मैं पापा को बोल भी नहीं सकता, पता अगर उनको पता लग गया मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो
तुम्हें ऐसे कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि वो कोई मतलब मेरी फैमिली अगर तुम्हें बोले सारी एक्सेप्ट करने के लिए मैं एक्चुअली नहीं रहना चाहता, मैं भी नहीं रहना चाहता यार। मैं प्रॉब्लम इस चीज़ में तुम हर बात पे छोटी छोटी बात पे कॉल करती रहती हो, मैसेज करती हो, कहाँ हो क्या कर रहे हो, कहाँ हो क्या कर रहे हो। अगर मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने जा रहा हूँ तो तुम कॉल करती हो, अभी अभी मेरी बात सुनो, मैं कहीं घूमने गया तुमने कॉल पे कॉल कॉल पे कॉल, मैं भी नहीं रहना चाहता, मुझे भी फ्रीडम चाहिए यार अपनी। ठीक है मैं तुम्हें दिन में वन टाइम कॉल किया करूंगी, प्लीज। नहीं यार प्लीज यार अभी यार देखो यार। मैंने उनको हाँ कर दिया यार, मैं उनको ना भी नहीं कर सकता यार। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना, मैं जब मैं रह सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं रह सकती, मजाक है यार कोई। तो प्यार मजाक था क्या जो 3 मंथ्स पहले जो तुम मुझसे कर रहे थे? देखो मैंने प्यार मैंने प्रपोज ही नहीं किया तुम्हें, बात ही यहाँ से शुरू हुई कि मैंने ही प्रपोज नहीं किया तुम्हें, तुमने खुद कहा था कि हाँ तुम मुझे लाइक करती हो, मैं स्मार्ट हूँ, मेरी मतलब पर्सनैलिटी अच्छी है तो तुम लाइफ में आ जाओ। मैंने सिर्फ ये कहा था कि हम पहले एक अच्छे दोस्त बन के देखते हैं, मुझे नहीं पता था तो तुम इस दोस्ती को एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मोड दे दोगी, फिर भी मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। बट छोटी छोटी बात पे कॉल करना, मैसेज करना, इरिटेट करना किसी इंसान को, बार बार ये बोलना कि आ जाओ अब मिलने आ जाओ, आज मिलने आ जाओ, कल मिलने आ जाओ, नहीं होता टाइम यार मेरे पास। 5 मिनट में आपके पास आई हूं ना, मेरे पास टाइम नहीं होता यार। तुम फ्री हो, तुम्हारा घर पास में है, तुम फ्री हो, मेरे पास टाइम नहीं होता। प्लीज बात समझो, मैं कोई बात नहीं समझ सकता, मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहता, सीधी सी बात, बात खत्म बस प्लीज बात खत्म। मैं पेरेंट्स के खिलाफ चला जाऊं जिन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, खिलाया पिलाया, वही बोलेंगे कि हाँ भाई कल की आई लड़की के पीछे छोड़ के हमारा लड़का हमें चला गया, तो उसको छोड़ने के लिए तो नहीं बोल रही हूं ना कि आप पेरेंट्स को छोड़ दो। हाँ तो वो मैरिज के लिए तो मानेंगे नहीं, तो भागना पड़ेगा मुझे घर से। नहीं हम कोर्ट मैरिज करा के अलग अलग रह लेंगे। अच्छा अलग रह लेंगे, कोर्ट मैरिज करा के मैं पेरेंट्स को छोड़ दूँ? नहीं आप अपने पेरेंट्स के साथ रहो, मैं अपने घर में। हाँ तो कल को अगर मेरी मैरिज होगी फिर तो केस सीधा मेरे ऊपर ही होगा ना कि हाँ भी मतलब इस... नहीं होगा, बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नहीं यार आई एम रियली सॉरी, मैंने जो कुछ मैं देखो अभी दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं बोल रहा हूँ नहीं बिगड़ा, लेकिन यार मैंने सारी जगह सबको बता रखा है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं फैमिली रिश्तेदार को क्या बोलूँगी? बोल दो ना कि वो मजाक था सिर्फ। प्यार मजाक होता है क्या? मैंने कहा था मुझसे प्यार करो, मैंने कहा था तो हो गया ना, मुझे नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ यार। मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं हुआ? नहीं, हाँ नहीं हुआ यार मुझे, सीधी सी बात है यार। देखो तुम अच्छी हो मुझे पता है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे घुमाने लेके जाती हो, हर मंथ मेरा रिचार्ज कराती हो। मुझे रिचार्ज बेटर और घुमाना बेटर नहीं करता, बेटर ये करता है कि हम दोनों एक साथ कितने टाइम स्पेंड करके कितने खुश रहते हैं। मैं देखो मैं तुम्हारे सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं तुम्हारे साथ आया, मैं आज आया हूँ तो मैं खुश हूँ, सिर्फ ये करता हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैं नहीं अभी इतना यार मैं बंधा हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे किसी ने मतलब मुझे पकड़ के रखा हो, के बांध के रखा हो कि तू मेरे साथ रह 24 घंटे। मैं तुम्हें फ्रीडम देती हूँ। मुझे फ्रीडम, ऐसी फ्रीडम नहीं चाहिए, अगर तुम मतलब ऐसे करोगी तो मुझे फ्रीडम नहीं चाहिए। आई एम रियली सॉरी यार, यार प्लीज यार मैं तुमसे हाथ मत जोड़ो यार, तुम पागल हो? तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम रो क्यों रही हो? तुम लिटरली रो रही हो, अरे पागल हो यार? मुझे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? तो तुमने खुद ही कह दिया तुम्हें नहीं रहना, तुम्हारे साथ रहना, मैं रो नहीं रही हूँ। प्लीज़ हम मैं क्या कर सकता हूँ यार, सबको बोल दो कि वो प्लीज़ तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। तो तुम इतना क्यों रो रही हो, पागल हो? मेरी बात सुनो, मैंने पहले ही प्रॉमिस कराया था ना कि रोना मत, करवाया था ना प्रॉमिस यार। अब जो होना था हो गया यार, अब होना कुछ भी नहीं है। हो गया अब? नहीं हो गया, मैं बोल रहा हूँ ना जो होना था हो चुका है, एक्चुअली हो ही चुका है कि तुम्हारे ऊपर प्रैंक हो चुका है। वो देखो वहाँ दिखा कैमरा, फिर वहाँ देखो वो पेड़ के पीछे, नहीं दिखा? मैं दिखाऊं कहाँ पे है वो रहा कैमरा? पागल ऐसा मजाक कौन करता है? अगर मैं सच में छोड़ दूं? अब तो प्लीज ऐसा मत करना, मेरी लाइफ की बिग खुशी हो तुम अब कल से। कल से नहीं मतलब कल से मैं... लोहड़ी से हमारी फर्स्ट लोहड़ी थी ना, इसकी वजह से तुम बिग खुशी हो मेरी लाइफ की। अच्छा चलो ठीक है, कैसा लगा वैसे ये प्रैंक? अच्छा लगा, फिर से दोबारा कर सकता हूँ मैं मतलब? हाँ, लाइफ टाइम प्रैंक कर सकता हूँ अगर मैं साथ ना रहा तो? नहीं रहा तो बकवास। अगर तुम ये ना बोली ना कि हाँ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को तो मैं नहीं रहूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और गाइज आप जो सपोर्ट कर रहे हो, 1 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी उसके ऊपर 1,05,000 व्यूज़ आप लोगों ने दे दिए, मतलब 2 लाख व्यूज चाहिए ताकि एक्स भी जल जाए कि इसकी जो नवी गर्लफ्रेंड आई है वो सबसे बेस्ट और परफेक्ट है। सो गाइज
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। हाँ, और ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए नहीं चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट था ये कमेंट करके बताना। ऐसी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए ताकि इसके साथ सारी वीडियो धासू धासू वीडियो लेके आए, देख लेना, सपोर्ट ज़्यादा मुझे करना। गाइस ये मेरी गर्लफ्रेंड है, गाइस मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और फ्यूचर में मैं भी इसकी वाइफ होने वाली हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें लाइफ टाइम देखने के लिए। ये सीन कट कट कर देना, ठीक है।